तो दिया यार, लोगे तू फाइनली तीन पतंग काट दिया यार। अरे यार एक पतंग काटी है, झूठ बोल रहे हैं। के अंदर जब पतंग कटती है ना, तब एक ही चीज बोली जाती है, चल चल के समेत। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग के अंदर। और भाई सभी को आज हैप्पी मकर संक्रांति। तो भाई हम जस्ट ना धो के आज सीधा निकल ले पतंग उड़ाने के लिए। भाई हम हमारे घर से तो पतंग उड़ाते नहीं है, क्योंकि यार इधर कॉलोनी इतनी वसी नहीं ना, तो पतंग उड़ती नहीं है एक्चुअली। और फिर अब मैं जाऊँगा राहुल के घर पे, सुबह के बज रहे 8। देख लो भाई पतंग के लिए कितना डेडिकेशन है मेरे को, क्योंकि भाई यार एक यही त्यौहार आता है लड़कों में स्पेशली। भाई जो जिनको है ना पतंग का शौक होता है ना, सच बता रहा हूँ, जिनको भी लड़कों में खास तौर पे, लड़कियों को मैं ऐसे नहीं बोल रहा, लड़कियों में क्या होता है कि उनके लिए एक फेस्टिवल होता है कि हाँ यार फेस्टिवल है, 14 जनवरी, मकर संक्रांति, उनके लिए एक फेस्टिवल है। बट लड़कों के लिए ना ये सब कुछ है भाई, सब कुछ। 10 दिन पहले है ना पतंग उड़ाने लग जाते हैं, ये सॉरी फिक्स हो जाती है, कहाँ पतंग उड़ाएंगे, कहाँ नहीं उड़ाएंगे, कौन दोस्त आएगा कौन नहीं, पहले डिसाइड होता है कि भाई मेरे घर पे पतंग उड़ेगी आज, इस बार आ जाना यहाँ पे यहाँ पे। बट मेरा तो भाई मोस्टली है ना राहुल के घर पे ही होता है, कि उसके घर पे जाके पतंग उड़ानी है और शाम तक 6-7 बजे तक, क्योंकि पूरी कॉलोनी बसी हुई है तो अच्छी खासी पतंगें उड़ जाती है, बाकी फिर वहाँ से कहीं और चल जाएंगे। देखते हैं आज का दिन कैसे स्पेशल रहता है, इतना मज़ा आता है, मज़ा तो आने वाला है, क्योंकि भाई यार फेवरेट फेस्टिवल आ गया आज, मस्त चलते हैं। देखे अभी तो, और भाई देख लो मेरे पीछे पतंगे पड़ी है, मंजे का चरखा पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। यार होते हैं पतंगे लेके आया था भैंस की, कम से कम 120 से 150 पतंगे उड़ा सकते हैं कोई, इससे ज़्यादा ही। 150 तो मैं लेके आया हूँ, 150 मेरा छोटा वाला भाई लेके आया है, अप्रोच 120 या 150 की समथिंग ही होगी यार, मेरे को जितना आइडिया नहीं है, पर हाँ 150 बोली थी मैंने, वो लेके आया उतनी। और राहुल लिया आया होगा 50-60, वो भी लेके आया था, और पिछले साल की हमारी और पड़ी है। यार मज़ा आएगा आज, मस्त उड़ाएंगे पतंग। आज दोस्तों आया था तो पतंग उड़ाने के लिए मैं, बट हवा ने अपनी औकात दिखा दी। हवा ना चल के अपनी औकात दिखा दी हवा ने। चाय पी लो आप तो, तो चाय भी निकाल, मतलब मर मर के उड़ा रहे। देख लो पीछे उड़ तो रही है हल्की फुल्की, बट हवा नहीं चल रही ना, तो इन्हीं को पता है कैसे उड़ रही है। चाय पी के बाद में उड़ाएंगे फिर, अब देखते हैं हवा चल जाए थोड़ी बहुत, और थोड़ी धुंध भी है ना, इस कारण है ना पतंग उड़ नहीं पा रही। टाइम हो गया ना 9 बज गए शायद। तो भाई देख लो पतंग कटेगी, किसकी काट रहे हो? पता नहीं, जो बीच में आ गया उसी की उड़ जाएगी, जिसके पतंग आएगी कट जाएगी। और हमारे साथ अभी बने हुए हैं मामा, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखो शर्म के हमारे कैसे हो रहे हैं, जिनकी हालत देख सकते हो आप अभी। अबे काट, अब तो काट गाइस, मोरी अपनी पतंग सबसे ऊपर है, देखो भाई एक तो ऐसे पता हो नहीं चलता किसके में किसकी रख ले पतंग। यार पता नहीं कैसे कट गई भाई। आप किसकी काट रहे हैं? फाइनली तो पतंग काट दी भाई, वो देखो जो जा रही है ना, ये देखो ये जा रही है भाई, काट तो दिया यार लोगे तू फाइनली, तीन पतंगे काट दिया यार। अरे यार एक पतंग काटी है, झूठ बोल रहे हैं, अपनी फॉर्म में आ जाऊंगा ना, चेक काट दिया तो इसको भी दे रहा उसको। ओ भाई वो मंजो कुन को ज्यादा दुख हो रहा है, और दुख इस बात का हो रहा है कि भाई आज का दिन तो कितना जल्दी चला गया भाई, कितना दिन गया रे आज का दिन, भाई जल्दी तो बहुत चला गया पर पतंगे बहुत काटी यार। नाउ दिस इज द सनसेट टाइम, ओके। और भाई पतंग देख लो, कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं ना तुम्हें? अभी हमारी ये है, और सॉरी गरार आ गया ना, अरे इस फोन को फेंक दे रहे यार, एक तो तेरे नया फोन लिया लाऊंगा वो तो मैं ऐसे कब तक ले आएगा तू फोन मेरे इंस्टाग्राम, सॉरी सब्सक्राइबर हो जाएगा 100 के, फर्स्ट पेमेंट आएगा उसकी, फर्स्ट पेमेंट आएगा तब। अब क्या बोल रहा था तू? मैं तो बोल रहा हूँ आज इतनी पतंगे उड़ी है,
तो कल कितनी उड़ेगी? कल तो संक्रांत, कल तो संक्रांत है। और भाई तुम आ देख लो, ये देखो तुम्हें दिखाता हूँ यार, ऐसे देखो, ये देखो अमन क्या कहना चाहते हो आप? यस सर, वी आर बैक टू विद अनदर व्लॉग। तो भाई अभी तक तो दिन कंप्लीट नहीं हुआ दिन। हाँ उसकी काटनी है पन्नी की, वो आगे दिख, ये दोनों दिख रही है ना, ये दोनों लड़ेगी आपस में, जो छोटी छोटी दिख रही है ना। अरे इन इनसे मत लड़ा ना, इन चुट्टी कुट्टियों से इनसे नहीं लड़ा ना। भाई देखो यार सुन, हाँ वो चरखी का मंजा दो। कौन सी चरखी का मंजा? चरखी का नहीं, उस चरखी का ये लगाएगा अब। चढ़ गया भैया, चढ़ गया, बहुत पैसा है हमारे पास। यहाँ से ना तोड़ के और उसमें लगा दे एक बार, और टूट चल गई। तो गाइस फाइनली उड़ा लिए पतंग और दाप गए, दापे तो नहीं है पतंग उड़ाते उड़े, थक गए यार, हाथ कट गए जगह जगह से मेरे। दे रहे ये देखो, ये पूरे कट गए। लेके आया था मैं कि थोड़ी सेफ्टी रहे हाथ के, बहुत खतरनाक। कल अगर हवा है ना, कसम से बोल रहा हूँ, उस साइड की होगी ना उनकी एस्ती सी करूँगा। कितनी लंबी पतंग काट दी यार, मैं सोच रहा था कि एक बहुत दूर पतंग है वो, देखो वो वहाँ पे दिख रही हो तो तुम्हें वो देखो, मैं सोच रहा कि उससे लड़ाऊँगा उससे लड़ाऊँगा, बट सालों ने बीच में ले गए हाथों में से, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इतना भयंकर। हाँ से हाय, से हाय शाप है, नहीं नहीं उधर नहीं जा रहे। ये देखो इसकी स्नैपे पूरी नहीं हो रही, स्नैपे पूरी नहीं हो रही इसकी। भाई आज हो गया, आज तो संक्रांत बन गई, आज मकर संक्रांति। अरे काट दिया यार, वो चश्मी साड़ो बोल रहे अमन, क्या क्या बोल रहा था अभी? ये चीता ही कहते हैं, चीता ही कहते, चीता भाई जी सुन, काला करा हुआ उन्हें क्यों ही ना इस तरीके आन तो कौन उड़ा भाई पता नहीं। हाँ यही बात रीजे बतेंगा, यही बात रीजे बतेंगा, पतंग काट रहे। राहुल क्या बोलना, क्या बोलना? तरकी समेट नीचे जा। अरे काटने गाइस हमें खींच नहीं आती, हम डील करेंगे, डील डील काट दे, काट दे गाइस, देखना कैसे चिल्लाते हैं हम, कैसे चिल्लाते हैं। थोड़ी देर बाद अभी कट करो, देखो जब चिल्लाएंगे तब बताएंगे। 200 जयपुर के अंदर जब पतंग कटती है ना, तब एक ही चीज बोली जाती है, चल चल के समेट के समेट नीचे जा जा। काट काट मैच भी काट, कटगी एक दो कटगी गाइस, दूसरी और कटेगी, ज्यादा मजा आता है। हाँ ले 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 अरे यार विगन छुटवा दी, बच गई बच गई बच गई बच गई। अरे कॉम्प्लेक्स में मत डालनी, तोड़ लेंगे। आज व्लॉग पूरा कंटिन्यू चलेगा गाइस, और कल भी मौज करेंगे, कल भी। ये तो पूरे दिन आज पतंगे लूट रहा था, ओ, पूरे दिन भाई उड़ाइए और एक कट्टा लूट के लाए उसमें, बच गई गाइस, मजा आ रहा कसम से। अब उड़ रही है पतंगे तो क्या ही नजारा, हाय दिन से तो सब सो रहे थे और अब जाके पतंग उड़ा रहे बोले, लेकिन मैंने संक्रांत तो मस्त गाइस। तुम्हारे तुम्हारे लिए ना थोड़े दिन में ना एक और अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है, बहुत अच्छा, कुछ दिनों में। हां कुछ दिनों में, जस्ट वेट एंड वॉच गाइस, निकलेंगे ट्रिप पे। हां क्या बोल रहा राहुल, फर्स्ट ट्रिप कहाँ की होगी? उज्जैन की, उज्जैन वैष्णो देवी, सालाचर, सालाचर बालाजी, सालाचर बालाजी, ये दो दो चीजें तो फिक्स है, सालाचर बालाजी और उज्जैन, यहाँ तो जरूर जाएंगे। और वैष्णो देवी का तो शायद फैमिली के साथ भी जा सके, है ना, फैमिली ट्रिप बनेगी। अभी तो मौज करेंगे दो तीन दिन, कल परसों तक पतंग उड़ेगी दो दिन और, तो फिर भाई कितनी उड़ाएगा विनोद, उड़ गया गाइस देख लो। अब शाम हो गए ना, अब ये लाइट वाले बलून उड़ेंगे, और अभी भी क्रेज खत्म नहीं हुआ, देखो अभी भी खत्म नहीं हुआ। नीचे ऊपर आने जा, दाब गेम तो उड़ा के कल उड़ाएंगे अब। मेरे तो भाई किसको नहीं लग रही थी बैठल हो बाप, गला बैठ गया ना ऐसे, मेरे को खुद को ही नहीं पता चल रहा है कि पता नहीं चल रहा खुद को क्या बोल रहा हूँ मैं क्या नहीं। ये देख मेरा ना आज जैकेट पहन के आ गया, अब देखिए ठुकेगा मेरा भाई।